तो यहाँ पर एक पटना हाई कोर्ट की यहाँ पर स्टेनोग्राफर की यहाँ पर बहाली आई है, जिसमें मैं आपको पहले एक बताया था इसके बारे में कि यह बहाली आने वाला है। तो यहाँ पर ये बहाली आ चुका है पटना हाई कोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आज से स्टार्ट हुआ, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो गया, 8 मार्च से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट डेट 29 मार्च तक है, यहाँ पर 2022 तक। और यहाँ पर पेमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर 1,000 पेमेंट है यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए, और यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट है। तो इसके लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले को कैसे अप्लाई करना है। नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले इसको भी आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है जैसा कि आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम, इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम रोशन है तो यहाँ पर रोशन यहाँ पर डालूंगा, कुमार लास्ट में यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंज नेम है अगर मैट्रिकुलेशन पर, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको करना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म यानी कि दोबारा से मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी दोबारा से फिलअप कर लेना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर सेक्शन वाला पर क्लिक कर लेना है। जनरेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एक यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है, एग्री करेंगे, और ये वाला कैप्चा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सारा डिटेल करके यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। मैं अपना सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर आई एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा बॉक्स इस वाला में फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा गया है काइंडली योर सेंड ओटीपी रिसीव योर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपको ईमेल या मोबाइल का जो भी आपको ओटीपी गया होगा आपको फिलअप करना होगा। मैं ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर चुका हूँ। ओटीपी आपको मेल पर आया, मोबाइल पर बहुत कम आ रहा है, तो यहाँ पर मेल का ओटीपी मैं डाल चुका हूँ इसका। तो वैलिडेट पर क्लिक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये वाला कैप्चा फिर से आपको फिलअप करना है। चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर चुका हूँ, इसके बाद री वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। आप री वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी अभी तक अपने डिटेल फिलअप किया होगा वो डिटेल सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि सभी को टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, सबमिट यहाँ पर क्लिक कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर ओके कर लेना है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर फिर से एग्री करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है या फोटो खींच के रख लेंगे, या तो आपको मेल पर सेंड कर दिया जाता है आईडी और पासवर्ड। यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपको डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके शो कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर देखा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन जो दिया गया है, यहाँ पर आप गो टू एप्लीकेशन पर चले आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। तो फिर से इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको पेज ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में यहाँ पर सभी डिटेल जो भी तक अभी तक आपने फिलअप किया होगा यहाँ पर डिटेल आपका शो हो जाएगा। अब डिटेल यहाँ से पर्सनल में आपको वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ से अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। जो अनमैरिड होंगे अनमैरिड सेलेक्ट करें, यहाँ पर फादर नेम डालना है या हस्बैंड नेम। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी आप क्या रखना चाहिए, ग्रुप सी, जैसे मैं भरना चाहता हूँ ग्रुप सी पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम क्या रखना है, तो स्टेनोग्राफर मुझे रखना है। स्टेनोग्राफर यहाँ पर एक ही शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर ही रखना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन, इसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो आपको अदर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर नो वाला पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो अपना अनुसार यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करें, जैसे मैं ईबीसी पर क्लिक कर लूँगा इस तरह से। और यहाँ पर रिलीजन अगर चाहते हैं एज में, तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो अप्लीकेबल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल डालना है, यहाँ पर जैसे कि जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर डालना है,
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑथराइज कहाँ से हुआ, तो ब्लॉक से हुआ, तो यहाँ पर ब्लॉक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का इशू डेट, यहाँ डेट लिखेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर ऑथराइज लिखेंगे, किन से ऑथराइज हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक लिखेंगे या सीओ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना है। इसके बाद बीजे वेलब, यहाँ पर मार्क्स आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पर क्या डालना है, तो यहाँ पर कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ पर डालना है, जैसे कि पैन नंबर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या इसमें से आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डू यू हैव ए पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, या हैव ए वोटर आइड कार्ड नंबर, हैव ए पासपोर्ट साइज। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर लेना है, आई एम वैल्यूएबल पर क्लिक कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर पैन नंबर, तो यहाँ पर मैं पैन नंबर डाल लेता हूँ, और पैन नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ तक जो भी डिटेल मैंने यहाँ पर बताया था, सभी डिटेल मैंने यहाँ पर फिलअप कर रखा है, जो मैंने यहाँ पर फिलअप अभी किया है। और फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल चुका हूँ, जो यहाँ पर मेरे पास पैन नंबर, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं एक पैन नंबर डाल लेते हैं फिर से एक बार। तो एक बार और से यहाँ पर फिर से ध्यान दे लेंगे, यहाँ पर जो विजिबल, यहाँ पर पैन नंबर में यहाँ पर आपको यहाँ पर आइडेंटिफी जो दिया गया है, इसमें आपको पैन कार्ड जो अगर चाहिए तो यहाँ पर पैन कार्ड, यहाँ पर जो भी नंबर आप डालेंगे उसका यहाँ पर नाम लिखें। जैसे यहाँ पर पैन कार्ड डाला हो, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखा हूँ, यानी कि पैन कार्ड लिख लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर डाल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर नाम जो पैन कार्ड पर है वो लिख लिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट सभी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा था। यहाँ पर आप सभी पर नो पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई एम एग्री वाला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेव एंड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पर ओके कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है कोई FIR आपके पास हुआ है तो नहीं, तो नो पर क्लिक करेंगे, यानी कि सभी को यहाँ पर अपने अनुसार पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद यस नो का आप अपना अनुसार ऑप्शन चूज कर लेंगे। मेरे अनुसार से यहाँ पर सभी को नो करेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको ओके कर लेना है। इसको यहाँ पर मेरा नो हुआ नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा था। मैं फिर से यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको उसी तरह से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऊपर से आप पूरी तरह से डिटेल मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेव एंड सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको ऊपर फिर से जाना है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट किया। यहाँ पर तीसरा स्टेप है, यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपका एड्रेस सारा फिलअप करना है। तो एड्रेस फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना गाँव का नाम डालेंगे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालेंगे, यहाँ पर और पुलिस स्टेशन, सब जो भी होगा डिटेल अपने अनुसार यहाँ पर डाल लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर कंट्री चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद यहाँ पर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम होगा, यानी कि ये वाला और ये एड्रेस दोनों सेम होगा, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों अलग अलग होगा तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो मेरा दोनों सेम है, यहाँ पर यस पर क्लिक कर लूँगा, यहाँ ताकि मुझे भरने की कोई आगे की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आएगा भरने के लिए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे यस, आपको यस ही टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल डाल लेना है, मैट्रिक का, और इसके बाद यहाँ पर ट्वेल्थ वाला इसमें डालना, इसमें आपको ट्वेल्थ का डिटेल डालना है इस वाले डिटेल में। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसमें स्टार लगा हो उसी का आपको केवल फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कोई अदर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो मैं अपने यहाँ पर सारा डिटेल, यहाँ पर जो भी था डिटेल, मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सिटी का ऑप्शन आ गया, आप टेस्ट किस सिटी में देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर तीसरा मैं आपको यहाँ पर पूर्णिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको सभी अपलोड करना है, जो केवल फोटो एंड सिग्नेचर है आपको JPG में सेलेक्ट करना है, बाकी सब जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है सभी आपको PDF फाइल में अपलोड कर लेना है, यानी कि जो जो इसमें स्टार लगा हुआ है सभी को यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड कर लेना है।
और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को केवल यहाँ पर आपको जेपीजी में अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर चूज योर ऑनलाइन मोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आपको मोड ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 1000 रुपये आएगा, आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर आई एग्री वाला पर सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी डिटेल दिया गया यहाँ पर सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कैप्चा ये वाला फिलअप करके इस वाले बॉक्स में, और बॉक्स में फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर सारा डिटेल अपलोड कर चुका हूँ। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सभी एग्री कर चुका हूँ। एग्री करने के बाद यहाँ पर मैं जो कैप्चा है इस वाले कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको व्यू पर प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। आपको प्रीव्यू इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक बार सेव कर लेना है। यहाँ नीचे एक ओके का ऑप्शन है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया जाएगा आपको क्या कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप पेमेंट करके सारा डिटेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा रहा था, डेमो अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।